नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी पैकेज में। और आपको पता होगा यूपी ट्रिपल एससी का जो मंडी परिषद का एग्जाम होने वाला और आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला, उसके लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। इसमें आपको जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और आपके यूपी करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको पसंद है तो लाइक करना ना भूलिएगा, इसके लिंक को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। जो भी चैनल पर नया भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, इस चैनल की अपडेट्स मिलती रहे। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डेली डेली जो भी वीडियो मिलेगी उसकी PDF मिल जाती है और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलते रहते हैं। तो का पहला ही क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? और बता दूँ आपको काफ़ी सरल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, आपको काफ़ी हार्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपको पता होगा कि जो कंप्यूटर माउस होता है आपका, ये किस प्रकार का डिवाइस है? आपका इनपुट प्रकार का डिवाइस होता है, ठीक है। अगला आपका प्रिंट देने के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे, मतलब कोई भी अगर दस्तावेज तैयार कर रहे हैं कंप्यूटर में तो उसको प्रिंट करने के लिए हम क्या सिलेक्ट करते हैं? तो करते हैं आपका फाइल, ठीक है। फाइल में जाकर आपका ऑप्शन होता है प्रिंट का, और आपको पता होगा इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है Ctrl+P, ठीक है, उससे आपका प्रिंट के लिए डायरेक्ट हो जाता है। अगला आपका MS Word किसका उदाहरण है? जो आपका MS Word है वो आपका किसका उदाहरण है? तो कहता हूँ वो एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है आपका MS Word, ठीक है। अगला, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डेटाबेस में बदलना होता है। तो आपको बताऊँ जो सॉफ्टवेयर होता है इसका जो प्राथमिक उद्देश्य होता है, मतलब तो इसका जो डाटा को क्या होता है, मतलब उसको वो सूचना में, मतलब कि इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है, ठीक है। जो भी उसके पास डाटा होता है उसको वो इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देता है, मतलब कि डाटा आएगा उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर में जाएगा, सॉफ्टवेयर उसको इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देगा। अगला आपका कंप्यूटर भाषा जो फोरट्रान्स है किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो आपको बता दूँ फार्मूला ट्रांसलेशन, इसका जो फुल फॉर्म होती है फार्मूला ट्रांसलेशन, ये आपकी जो होती है साइंस के, साइंस में से संबंधित है ये लैंग्वेज, ठीक है। और ये आपका वैज्ञानिक जो भी साइंटिफिक कैलकुलेशन होती है उसमें यूज की जाती है, ठीक है। अगला, कंप्यूटर भाषा कोबाल किसके लिए उपयोगी होती है? इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। कोबाल की होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये आपकी किस में यूज की जाती है? तो ये आपकी की जाती है आपकी कॉमर्शियल पर्पज में, मतलब कि व्यावसायिक कार्य में, ठीक है। तो अगला आपका इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो आपको बता दूँ इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है वो होता है आपका TCP या IP, ठीक है, TCP या IP। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आपका IP की होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अगला है आपका कि कंपाइलर क्या है, तो आपका बताऊँ कंपाइलर क्या है, तो आपका जो कंपाइलर होता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम भी है, ठीक है, और एक आपका सॉफ्टवेयर का पार्ट भी है, और ये क्या करता है हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज भी करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त छवि, मतलब ठीक है, चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका। अगला आपका जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, तो अभी आपको बताया था मैंने जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है आपका फोरट्रान्स, मतलब फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। अगला, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जाँच निम्न में से कौन करता है? तो आपको बताऊँ कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच जो है वो आपका BOIS सिस्टम करता है, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS, ठीक है। अगला आपका, निम्नलिखित में से पीली क्रांति से संबंधित है, तो आपको बता दूँ आपका पीली क्रांति से संबंधित है वो है आपका तिलहन उत्पादन, ठीक है, तिलहन उत्पादन जो है आपका पीली क्रांति से संबंधित है। अगला, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है, तो आपको बताऊँ न्यूनतम समर्थक मूल का निर्धारक है वो है आपका कृषि लागत एवं मूल आयोग, ठीक है, कृषि लागत एवं मूल आयोग। अगला आपका, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, तो आपको बताऊँ उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है वो है आपका बिरहा, ठीक है, जो बिरहा है आपका उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। अगला, वित्तीय संसाधन नहीं है, जो आपका वित्तीय संसाधन नहीं है तो वो है आपका BCCI, ठीक है, BCCI जो है आपका वित्तीय संस्थान नहीं है। आपको पता होगा BCCI आपका ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, मतलब एक क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। अगला आपका, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो आपको बताऊँ 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, वो होते हैं आपके वित्त सचिव के, ठीक है, वित्त सचिव के होते हैं।
अगला, हमारे प्लेनेट पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कह दूँ हमारे प्लेनेट पृथ्वी के लिए ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है, आप सभी को पता होगा, वो होता है आपके सूर्य, ठीक है। अगला पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो आपको बताऊँ दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये जो है आपका फिल्म, मतलब कि फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और जो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 1969 में, ठीक है, 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है आपका कि आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? जबकि आज़ाद हिंद फौज थी वो आपकी किसके नेतृत्व में लड़ी थी? वो लड़ी थी आपकी सुभाष चंद्र बोस के, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी थी। और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1943 में, ठीक है, 1943 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। अगला, कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो आपको पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1885 में, ठीक है, 1885 में हुई थी। और इसकी जो स्थापना की थी ए ओ एहमियू ने की थी, ठीक है, ए ओ एहमियू ने की थी। और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था आपका मुंबई में, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है, डब्ल्यू सी बनर्जी। अगला है आपका कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है? तो कहता हूँ संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क में स्थित है। और आपका संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, 1945 को। अगला का विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कहता हूँ विश्व पर्यावरण दिवस है जो वो आपका 5 जून को, ठीक है, 5 जून को मनाते हैं। अगला आपका स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? तो आपको बताऊँ स्वस्थ मनुष्य मनुष्य का जो तापक्रम है वो कितना होता है? वो होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और आपका फारेनहाइट में अगर बात करें तो फारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। और अगर कैल्विन में बात की जाए तो होता है 310 कैल्विन, ठीक है, 310 कैल्विन। अगला आपका आकाश का रंग है जो नीला दिखाई देने का कारण है? तो आपको बताऊँ आकाश का रंग है जो नीला दिखाई देने का कारण है वो है आपका प्रकाश का प्रकिरण, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश का प्रकिरण के कारण जो है आपका आकाश का रंग जो है आपका नीला दिखाई देता है। अगला, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपको बता दूं भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा जो है आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अगला, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो कहता हूँ भारत में राष्ट्रीय आय की गणना है जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है केंद्रीय एवं सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ठीक है। अगला, त्रिपि किस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कहता हूँ त्रिपिटक जो है आपका निम्नलिखित में से किससे संबंधित? वो है आपका बौद्ध से, ठीक है, बौद्ध समुदाय से संबंधित है आपका त्रिपिटक। अगला आपका मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, जो आपका मानव अधिकार दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को, ठीक है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला आपका, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आप बताओ न्यूक्लियर बम बनाने के लिए आपका निम्न में से आपका यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। अगला का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो आपको बता दूं भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द जो आपका किस संशोधन द्वारा लाया गया था? ये लाया गया था आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था जो आपका 1976 में इसके तहत लाया गया था, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो आपको बता दूं ये जो है आपका पाटलिपुत्र, ये आपका संबंधित स्थल नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है, बाकी कालीबंगा, रोपड़, लोथल ऐसा आपके सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं, ठीक है। अगला आपका, लखनऊ के हजरत चौराहे का नाम क्या रखा गया है? तो आपको बताऊँ लखनऊ के हजरतगंज चौराहे का नाम जो है वो आपका अटल चौक रख दिया गया है, ठीक है, अटल चौक रख दिया गया है। अगला आपका, उत्तर प्रदेश का गांव अभी हाल ही में पिंडरा ठाकुर गांव जो है आपका डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत पूरा डिजिटल हुआ है, ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आपका पिंडरा ठाकुर गाँव है, ठीक है, जो कि आपका डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। तो आपका ये किस जिले में उत्तर प्रदेश के? तो ये है आपका अमेठी में, ठीक है, अमेठी में है। अगला, 2019 का प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस जो है आपका कब और कहाँ होगा?
तो आपको बता दूँ 2019 का जो आपका भारतीय प्रवासी दिवस है, ये आपका 21 से 23 जनवरी के बीच बनारस में होगा, ठीक है। 21 से 23 जनवरी जो आ रही है आपकी 2019 में, वहीं पर होगा ये। अगला, ई FIR या डायल FIR योजना के तहत उत्तर प्रदेश ऑनलाइन FIR दर्ज करने के मामले में किस क्रम का राज्य बन गया है? तो आपको बताऊँ, ई FIR और आपका डायल FIR के तहत जो आपका उत्तर प्रदेश ऑनलाइन FIR दर्ज करने के मामले में जो यूपी है आपका पहला राज्य बन गया है, ठीक है। पहला, भारत का पहला राज्य बन गया कि ई FIR और डायल FIR योजना के तहत। अगला आपका कि रीजनल रेल टेंगरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई है? तो आपका रीजनल रेल टेंगरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है वो आपकी गाजीपुर में की गई है, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला गाजीपुर। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने गंगा हरितमा योजना के तहत कितने जिलों में लागू की है? तो आपका दो, गंगा हरितमा योजना जो है वो आपका 27 जिलों में लागू की है, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ, गंगा के किनारे 1 किलोमीटर के एरिया में, मतलब 1 किलोमीटर के एरिया तक आपका वृक्षारोपण किए जाएंगे। अगला, उत्तर प्रदेश में पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपको बताऊँ, उत्तर प्रदेश में पहला बटरफ्लाई पार्क जो है वो आपका कानपुर में स्थापित किया गया है। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने खादी उत्पादों को बेचने के लिए किस कंपनी से हाथ मिलाया है? तो आपको बताऊँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने खादी उत्पादों को बेचने के लिए आपका अमेजोन से हाथ मिलाया है, ठीक है। नेशनल यूथ फेस्टिवल कहाँ हुआ है? तो आपको बताऊँ, 22वां नेशनल यूथ फेस्टिवल जो हुआ है आपका ग्रेटर नोएडा में हुआ है, और मैं बता दूँ ये जो है आपका 12 से 16 जनवरी 2018 में संपन्न हो गया, ठीक है। अगला, हाल ही में किसके द्वारा दांडी यात्रा पर प्रदर्शन आयोजित की गई है? तो आपको बताऊँ, हाल ही में दांडी यात्रा पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, तो वो की गई है आपकी NGMA के द्वारा, ठीक है। NGMA के द्वारा, उसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ठीक है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। और ये हुई कहाँ पे थी? तो हुई थी आपकी नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। अगला आपका, किस राज्य के हॉस्पिटल का नाम गिनीज बुक में दर्ज किया गया है? तो कह दूँ, किस राज्य के हॉस्पिटल का नाम जो गिनीज बुक में दर्ज किया गया, वो किया गया आपका तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना में। अगला, किसे ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो कह दूँ, किसे ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया, वो किया गया आपका स्मृति मंधाना को, ठीक है, स्मृति मंधाना को। अगला आपका, अभी हाल ही में बांग्लादेश के तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बता दूँ, अभी हाल ही में बांग्लादेश के तीसरी बार प्रधानमंत्री जो बने वो आपके शेख हसीना, ठीक है, शेख हसीना जो आपकी बांग्लादेश की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है। अगला है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार के कितने द्वीपों का नाम बदला है? तो बता दूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार के जो है आपका 3 द्वीपों का नाम बदला है। अगला, किस राज्य सरकार ने नया आध्यात्मिक विभाग बनाने का फैसला किया है? तो आपका बता दूँ, किस राज्य सरकार ने नया आध्यात्मिक विभाग बनाने का फैसला किया, वो किया आपका मध्य प्रदेश ने, ठीक है, मध्य प्रदेश ने। अगला, नॉर्मन गिम्बेल का निधन हो गया, वह कौन थे? तो आपका बता दूँ, नॉर्मन गिम्बेल का निधन हो गया, ये आपके जो थे आपके सिंगर, ठीक है, सिंगर थे। और मैं बता दूँ, इन्होंने आपका ऑस्कर एंड ग्रैमी अवार्ड भी जीता, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नॉर्मन गिम्बेल। अगला, हाल ही में महिलाओं का राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण की शुरुआत कहाँ हुई है? तो आपको बताऊँ, हाल ही में महिलाओं के राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण की जो शुरुआत हुई है वो हुई है आपकी कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में। अगला है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपको बताऊँ, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जो है आपका कहाँ आयोजित किया जाएगा, वो किया जाएगा आपका बीकानेर में, ठीक है, बीकानेर में। अगला आपका, हाल ही में AI संचालित रोबोट उस्ताद किसने विकसित किया है? मतलब कि, तो आपको बता दूँ, AI संचालित द्वारा उस्ताद नामक रोबोट है, किसने विकसित किया, वो किया आपका रेलवे ने, ठीक है, इंडियन रेलवे ने इसे विकसित किया है। अगला, G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो आपको बता दूँ, G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है वो आपका भारत, ठीक है, भारत करेगा, ठीक है। और 2018 जो का जो किया है वो आपका किया है आपका अर्जेंटीना ने, ठीक है, 2018 का आपका अर्जेंटीना ने किया है। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, इसके लिंक को ज़्यादा से शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।